नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की न्यू वैकेंसी जीई ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं रेलवे की जो न्यू वैकेंसी है, इसमें पोस्टें कितनी हैं। तो दोस्तों, रेलवे ने अभी नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग की यहाँ पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर पोस्ट 14,033 पोस्टों पर यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि 14,033 पोस्टें यहाँ पर खाली हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है जिसके लिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म कब से भरे जाने हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की यहाँ पर डेट है 2 जनवरी 2019, यानी कि 2 जनवरी 2019 से आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, कब तक भर सकते हैं, तो आप 31 जनवरी 2019 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जनवरी के लास्ट तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2 जनवरी से 31 जनवरी तक। और दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है फिलहाल अभी ये दोनों ही हैं, और इसके बाद एडमिट कार्ड की डेट अभी दोस्तों कन्फर्मेशन नहीं हुई है कब आपका एडमिट कार्ड होगा, ना ही आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है वो कन्फर्म हुई है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, यह बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके दोस्तों बात करते हैं आगे फीस की, फ़ीस क्या रहेगी। दोस्तों, जनरल और ओबीसी वालों की यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने की, जो कि दोस्तों आप रिफंडेबल रहेगी, यानी कि 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे, केवल 100 रुपये आपके लगेंगे, यानी कि 500 रुपये जो फीस भरी जाएगी वह आपके एग्ज़ाम होने के बाद, यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब आपके फ़ीस 400 रुपये रिफंड की जाएगी, सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगी। और दोस्तों, SC ST वालों की फ़ीस यहाँ पर 250 रुपये है, जो कि पूरी तरह यहाँ पर वापस कर दी जाएगी। दोस्तों, आप पेमेंट करना चाहते हैं, यदि आप खुद फॉर्म भरेंगे तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप पेमेंट इसका कर सकते हैं, या SBI का चालान भी आप बना के जमा कर सकते हैं बैंक जाकर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं अपन। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया जाएगा वह 1 जनवरी 2019 से किया जाएगा, और दोस्तों 1 जनवरी 2019 को आपकी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए। कितनी? 18 से 33 वर्ष के मध्य ही आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी। तो दोस्तों, आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग की। दोस्तों, इसमें आपको डिप्लोमा या डिग्री कोई भी इंजीनियर की होना यहाँ पर कंपलसरी, यानी कि आपकी आवश्यक है इंजीनियर की डिग्री या डिप्लोमा होना। उसके बाद दोस्तों, आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है भाई क्वालिफिकेशन दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं आगे आकर पोस्ट में कितने काय की पोस्ट हैं यहाँ पर। दोस्तों देख लेते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग की यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसकी है 13,034 पोस्ट हैं। कितनी? 13,034 पोस्ट हैं, आपको केवल इसी में डालना है। दोस्तों, इसमें बहुत कम पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में केवल 49 पोस्ट हैं, इसमें 456, इसमें 494, टोटल मिला के हो जाती है यहाँ पर 14,033 पोस्ट है। तो दोस्तों, आपको प्रमुख टारगेट बनाना है जूनियर इंजीनियरिंग, यानी GE को टारगेट करके यहाँ पर फॉर्म डालना है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट निकली है 13,034। ठीक है, तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।